सारी लड़की को हम डांटे हैं, सारा लड़का को भी हम बोले, पूछ लो या बमनी को भी बोले, अब बोलने जाएंगे इसको दरोगा हो गई यहाँ, अब कौन बोलने जाएगा भाई। कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि आप अगली बार इस पे एक ट्रिपल स्टार डीएसपी लेके आइए, हाँ, तब उसमें 2 किलो मिठाई। जिस समय इसका रिजल्ट हुआ तो मेरा सीना जो है एकदम फूल के चौड़ा हो गया। इस दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। देखिए वो आप लोग, अरे खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए एकदम खुश रहिए। देखिए इनके पिताजी हैं आज, अजी आप भी देखिए, एक माँ बाप और गुरु के लिए इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। अब आपको क्या बता सकते हैं, अब इससे बड़ा किसी माँ बाप के लिए और शिक्षक के लिए दिन हो ही नहीं सकता। जिस लोगों को हम लोग पढ़ाए, कितना बार बोले होंगे, एक बार याद है हमको, ये सुबह सुबह आई थी तो ठंड का दिन था तो मोटका साल ओढ़ी थी, तो हम कह रजाई ओढ़ के चलाओ यहाँ। अक्सर हम बोल देते हैं लड़का लड़की, नहीं कल ये एक मिठाई मांग रही थी कौन, उसको बोल दिए थे हाँ, तो हम अक्सर बोल देते हैं। तो ऐसे इसका कुछ लड़के ऐसे, आपको भी लगता है कि हंसी मजाक में हम बोलते रहते हैं, लेकिन ये लड़की सुबह 6 बजे आती थी और रात को टोटल कंप्लीट क्लास करने के बाद पूरी दिन भर क्लास करती, लाइब्रेरी बैठने के बाद रात में एक ही बार जाती 6-7 बजे। लीजिए बाबू, इन लोगों को कुछ समझाइए, उसको कोई जरूरत नहीं, लड़कों सब आप बताइए कैसे पढ़ी थी, कब आई थी यहाँ पे। लड़कियों के लिए तो क्योंकि मरीज मरीज का दर्द अच्छा से समझता है, हम लोग तो डॉक्टर की कैटेगरी में चल जाएंगे। जय हिंद, मेरा नाम सिंकू कुमारी है और हम नवादा जिला के रजौली थाना से हैं। आज कल में हम ट्रेनिंग हुआ स्टार्ट होने जा रही है, एकेडमी जा रहे हैं, हम सर से आशीर्वाद लेने आए हैं आज। इतना सीधा लड़की दरोगा कैसे बन गई? ट्रेनिंग होगा तो फिर बदमाशी आ ही जाएगी सर। कितने बजे पटना आई थी, तो क्या समस्या आई, कितने दिन पढ़ी, बच्चों को समझाइए, इन लोग को ग्रेजुएशन कब हुआ था कि इन लोग को भी समझ में आए। ग्रेजुएशन मेरा 2018 में हुआ था, पटना में हम 15 महीने रहे हैं और सर के पास 1 साल पढ़े हैं। तो पहले तो हमको लगता था कि जीके जो है सो लुसेंट से ही पढ़ के काम हो जाएगा, लेकिन मेरे भैया के दोस्त बोले थे कि सर बहुत अच्छा मैप पढ़ाते हैं, वहाँ जाके देखो। तो फिर हम यहाँ आए तो सारा क्लास अटेंड करने लगे मैप के अलावे, फिर वही दिन भर पढ़ते थे यहाँ पे, फिर डायरेक्ट शाम में जाते थे रूम पे, और इसलिए इतना क्या बोले सर। इतना सीधा लड़की होगी पहली बार सर यहाँ पोडियम पे आए हैं, तो मतलब कुछ लग रहा है हमको, मतलब बोलने नहीं आ रहा है, ये कह सकते हैं। देखिए ये सोचिए, जो आने वाले समय में ट्रेनिंग में सबको दिया जाएगा ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कि विदाउट ट्रेनिंग कभी भी कोई भी जॉब दिया जाता है, लेकिन सोचिए कि 15 महीने पटना में रहने के बाद जॉब हो गया, मतलब भाई 1.5 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, वो भी एक लड़की के लिए। घर वाले कितना मौका दिए थे? एक मौका घर वाले के सामने, बस एक मौका था यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ठीक है जी सर, मिठाई आ चुका है, मिठाई आ चुका है मेरा। लड़की हमको मिठाई खिला दी एकदम बढ़िया से, इनके भाई का भी रिजल्ट हो गया है बहुत जल्दी, 3-4 जगह में उनका भी हो गया होगा, भाई का भी बहुत जल्दी उनका भी ज्वाइनिंग हो जाएगा वहां पे भी। लड़की देखिए, घर वाले लड़की को बहुत कम ही टाइम देते, देख रहे कितना टाइम, एक बस एक मौका दिए थे, अभी हम तो ये सोचते ना इतना सीधा दरोगा में हो गया यहाँ पे, लेकिन कैसा बोली रही है कि ट्रेनिंग के बाद आदमी सब चीज समझ जाता है, जैसा देश वैसा भेष हो जाता, समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग भी मन लगा के पढ़िए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पे आप भी यहाँ आने का आप लोग को भी मौका मिले। और सारी लड़की को हम डांटे हैं, सारा लड़का को भी हम बोले, पूछ लो या बमनी को भी बोले, अब बोलने जाएंगे इसको दरोगा हो गई यहाँ, अब कौन बोलने जाएगा भाई इसको। हाँ अभी बोल सकते हो तो आपका संस्कार है, लेकिन हम बोलने के तो अभी बोल ही सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज है, हम लोग को भी खुशी मिलती है कि आप लोग, हम भी कोशिश करेंगे आप भी यहाँ आए। लड़की इनका भी बहुत शौक था कि सर हम आएंगे तो वर्दी पे आएंगे, बहुत खुशी हुआ हमको भी, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा सिविल में आने का हिम्मत नहीं था, इसको एक बार बोल दिए थे कि रजाई ओढ़ के चलाया जाए, बहुत दूर से आती थी, बोरिंग रोड में रहती थी, वहां से इसको समझ में नहीं आया, तो वहां से यहाँ आने के बाद काफी दूर है यहाँ से बोरिंग रोड वहां पे, और उस ठंड के समय में सुबह 6 बजे ऑटो पकड़ के आना, कितना ठंड होता है सुबह 6 बजे, अंधेरा रहता है उस समय तक वहां पे, तो हम बोल दिए थे तो कह रही सिविल ड्रेस में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हम चाहेंगे कि आप अगली बार
इस पे एक ट्रिपल स्टार डीएसपी लेके आइए हाँ, और तब उसमें 2 किलो मिठाई, ठीक है। चलिए, मेरा नाम अशोक प्रसाद यादव है। मैं एक दिन, मुझे वो याद आता है कि एक दिन मैं बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था, आज बेटी मुझे यहाँ लाया है, ये सबसे बड़ी बात। इससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं मिल रहा। जिस समय इसका रिजल्ट हुआ तो मेरा सीना जो है से एकदम फूल के चौड़ा हो गया। तो मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, जितने हमारे बेटे और बेटियाँ यहाँ पढ़ रही हैं, ऐसा मौका आप भी अपने माता पिता को दें, इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है। आपको भी हम एक धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने इतना संस्कार सिखाया, और आपको भी कहेंगे जो किताबी शिक्षा मिल गई वो हो गई, अपने सामने किसी गरीब के साथ अन्याय होते नहीं देखना, ये हम सबको सिखाते हैं, ठीक है। हम इंतजार रखेंगे जब आपका ट्रिपल स्टार डीएसपी लेके आप यहाँ आएंगे, ठीक है, उस समय 2 किलो मिठाई, ठीक है। चलिए, एकदम एकदम ठीक। जय बाबू, आप लोग से भी हम उम्मीद करते हैं, कुछ करो बेचारा। लड़की सबको भी तो बहुत मुश्किल होता है, उसको सोचे घर वाले लोग एक बार का टाइम दिया था, लड़के आई थी घर से कि हम नौकरी लेके जाएंगे, और सुबह से शाम इसको हम कभी कभी, मतलब हमारा तो आदत है कि वो को बोल देते हैं, नहीं बोले हैं, कोई हो मिल गया अगर सीढ़ी पे कोई लेट सेट, वो क्या चार को सुनाइए के भेजते हैं सीढ़िया पे बेचारी दूर से आती थी, बोल देते थे, लेकिन ये था पढ़ने में कि नहीं, रिजल्ट लेना है तो लेना है, झुकेगा नहीं बस कितना खुशी होता है, सोचिए माँ बाप को, सोच सकते हैं क्या बोले उनके पिताजी की, बच्ची को हमने भेजा था, आज बच्ची की वजह से हमको यहाँ आने का मौका मिला। सब लोग यहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते, बहुत कम आदमी यहाँ आ सकते हैं, खान जीएस रिसर्च सेंटर का पोडियम है, समझ में आ रहा है ना, छोटा मोटा नहीं है यहाँ पे, और यहाँ उसी को मौका मिलेगा जो सफल रहेगा वो। आप एक चीज याद रखिएगा बाबू, आप सबको कहते जाए, इस दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे, आप समझना है जो, मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहने देना चाहिए, पूरा मेहनत जबरदस्त कीजिए, लड़का सबको भी, लड़की लोग के लिए, लड़की के लिए तो भाई बहुत समस्या है, घर वाला ही सबसे बड़का आप लोग के लिए आफत खड़ा करता है, चार गो सुनाएगा कि चलो आओ ये वो बहुत समस्या होता। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग निकाल के लाओगे लोग ना भाई अगली बार। चलिए सब लोग, लड़का ले, लाइव वाले सब लोग, तुम लोग मेरे चचवा के पीछे क्यों पड़ा रहता है, कह रहा कि सर इस पोडियम पे कभी चचवा को मौका मिलेगा, एक लात मारेंगे गिर जाएगा नहीं समझे, उसको हम अपने चचवा को कितना वैल्यू देते हैं आप सबको पता है, दीदी को हम खुद पागल हो जाएंगे चलो आगे देखते हैं लोग।